गाइज, SDM ऑफिसर ज्योति मौर्या के साथ गाजियाबाद का रहने वाला IAS ऑफिसर के साथ अफेयर वाला कॉल रिकॉर्ड सामने आई। इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने से पहले मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा शट डाउन कर देता हूँ। हुआ ये था कि एक व्यक्ति जिसका नाम आलोक मौर्या था, वो एक छोटे से कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। फिर उसकी शादी ज्योति मौर्या से होती है। ज्योति मौर्या पढ़ना चाहती थी तो यहाँ पे आलोक बड़ी मेहनत से उसे पढ़ाता लिखाता है। उसके बाद ज्योति मौर्या IAS ऑफिसर बन जाता है। उसके बाद IAS ऑफिसर बनने के बाद ज्योति मौर्या अपने पति आलोक मौर्या को ही ठुकरा देती है। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं। बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। उसकी उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दू कहाँ थे ये भी बता दू, मुझे पता है कहाँ कहाँ गए थे आप लोग। कहाँ गए थे पता है? कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था जिससे मिलने गई थी आप। ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे ज्योति जी। और आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, वो उसी वो का मेरे सिर्फ इस फोन में है, उस वाले फोन में नहीं है। है, एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। तो आप क्यों, ये एक फोन, वो फोन क्या होता है यार? आप ADM के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको। ADM के नाम से नहीं, ACM के नाम से। हाँ, मनीष मिश्रा के नाम से ACM बना के रखी हो तो अब नंबर किसका? मेरे पास नहीं है। बिल्कुल है, देख लो। आजा कसम की नहीं है, नहीं है मेरे पास नंबर। गाइज, इसका निर्णय कोर्ट करेगी, इस पर फैसला आना बाकी है। बाकी बात इसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।